सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। एक चौंकाने वाली घटना में बिहार के भागलपुर जिले में एक दुल्हन ने वरमाला समारोह से ठीक पहले अपने दूल्हे को देखने के बाद कथित तौर पर अपनी शादी तोड़ दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रसलपुर थाना क्षेत्र के कहलगांव निवासी दुल्हन की शादी 15 मई को धनौरा के एक दूल्हे के साथ तय हुई थी। कथित तौर पर तय तारीख पर दूल्हा अपनी बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंचा और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, जब तक कि दूल्हा और दुल्हन को वरमाला समारोह के लिए शादी के मंडप में नहीं लाया गया। दूल्हे को देखकर दुल्हन भड़क गई और दूल्हे को माला पहनाने और तिलक लगाने से इनकार कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए हम आपको बता दें कि दुल्हन ने तुरंत ऐलान किया कि वह उससे शादी नहीं करेगी। बताया जाता है कि काफी समझाने के बाद भी दुल्हन ने किसी की नहीं सुनी और मंच से उतरकर अपने कमरे में चली गई। बाद में जब दुल्हन से पूछा गया तो उसने शादी से इनकार क्यों किया, तो उसने बताया कि लड़का सांवला है और उसकी उम्र से काफी बड़ा है। बताया जा रहा है कि सभी ने दुल्हन को उसके परिवार समेत काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इस दौरान दूल्हे का पिता भी लड़की को मनाने की कोशिश करता रहा। घंटों समझाने बुझाने के बावजूद बराती को बिना दुल्हन के लौटना पड़ा, क्योंकि वह दूल्हे से शादी के लिए राजी नहीं हुई। दुल्हन के पिता को अपनी बेटी की इस हरकत के बारे में कुछ पता नहीं था और खबर के मुताबिक उसके पिता ने बयान दिया, हम नहीं जानते कि मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया। खबर से मालूम पड़ रहा है कि दुल्हन ने दूल्हे को पहले नहीं देखा था। सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में जानकर लोग बेहद हैरान है। लोगों का कहना है कि यह अब पहले का जमाना नहीं, जब लड़कियां चुपचाप शादी कर लिया करती थी। अब जवाब देना भी जानती है और नापसंदगी भी जाहिर कर सकती है, चाहे गांव हो या शहर। खबरी चौखट की रिपोर्ट।